तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट और लोन ईएमआई डिफॉल्ट के ऊपर। दोस्तों जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, अगर आपने भी कोई लोन ईएमआई अभी तक पेमेंट नहीं की है और अगर आपकी लोन ईएमआई आगे डिफॉल्ट होने वाली है। दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर यानी एक आदेश पास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी जितने भी हमारे देश की हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है, यानी हमारे देश में जितनी भी जुडिशरी है, उनको फाइनली बोल दिया कि कोई भी कोर्ट जो है वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के बीच में टांग नहीं अड़ाएगी सेटलमेंट को लेकर। पहले होता क्या था कि अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर हमारा सेटलमेंट नहीं कर रही होती तो डायरेक्टली हम कोर्ट में चले जाते थे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, लोक अदालत, बहुत सारा सिस्टम था, और उधर अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर देती थी तो बैंक को वो मानना पड़ता था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये सब मना कर दिया, सभी कोर्ट को आदेश दे दिया है। एक्चुअली दोस्तों मैटर क्या हुआ, कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट किसी बोरोवर पे लगाया गया था जिसमें बोरोवर का जो घर था उसको ऑक्शन करने के और पोजेस करके उसको फाइनली बेचने के लिए जो मामला चल रहा था, जिसमें बोरोवर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक को आदेश दिया था कि आप जो बोरोवर है इसके घर को नीलाम नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर पोजेशन नहीं ले सकते और जो सरफेसी एक्ट है आप इसके ऊपर मत चलाइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक को बोला था कि आप जो ओटीएस है यानी वन टाइम सेटलमेंट के द्वारा इससे पैसे रिकवर कर लीजिए, यानी कुछ ही पैसों में उनकी सेटलमेंट की दोस्तों बात हुई थी। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को दोस्तों ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका आदेश दोस्तों अच्छा नहीं लगा और वो डायरेक्टली चला गया सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फाइनल अपडेट आ गया इसके ऊपर और कोर्ट ने बोल दिया कि भैया अब आप लोग हैं जो जितने भी कोर्ट है वो बीच में टांग नहीं अड़ाएगी। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इधर तीन जो मैन ऑर्डर पास किए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में इधर फंस सकते हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए मेरे पास एक बेस्ट ऑफर है। दोस्तों यदि आप फ्री में क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम कमाना चाहते हैं तो डाउनलोड करें क्रिप्टो ऐप, साइन अप करो और केवाईसी कंप्लीट करो और यूज करो मेरा रेफरल कोड MEODZ9। इसके बाद दोस्तों आपको स्ट्रेच कार्ड मिलेंगे और जहां पर आपको 100% कोई भी क्रिप्टो करेंसी फ्री में मिलेगी। साथ में दोस्तों आप यहां पर 0.02 BTC कमाने का भी मौका मिलेगा जो कि 80,000 रुपए के बराबर है। और साथ में यदि आप इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो दोस्तों आपको और भी ज्यादा क्रिप्टो कमाने का मौका मिलेगा और उनको आप डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आप दोस्तों यहां पर इजीली विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो UPI या बैंक ट्रांसफर द्वारा, और साथ में जो क्रिप्टो पे के द्वारा आप किसी भी शॉप या मॉल के अंदर पेमेंट कर सकते हो। तो साथ में यहां पर आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है उनको कहीं भी वर्ल्ड में आप बिना किसी ब्रोकरेज के रिसीव और सेंड कर सकते हो। यहां पर दोस्तों क्रिप्टो में बाय सेल आप जो है ट्रेड कर सकते हो। ऐप का दोस्तों जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है सभी के लिए, चाहे न्यू हो या पुराने जो यूजर है। बिना KYC के दोस्तों आप मिनिमम 50 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक UPI द्वारा दोस्तों इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से जो रिलेटेड जो नए रेगुलेशन है उसके हिसाब से दोस्तों जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर टैक्स देते हैं, सेम ऐसे ही आपका क्रिप्टो पर टैक्स लगेगा। दोस्तों ये एक ट्रस्टेड ऐप है और इसके ऊपर मैं पर्सनली खुद भी ट्रस्ट करता हूं। यदि आप भी फ्री में क्रिप्टो करेंसी कमाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओटीएस स्कीम में यानी वन टाइम सेटलमेंट में डिफॉल्टर को बैंक को कम पैसा भरना पड़ता है। अगर किसी का 1,00,000 रुपए का लोन है तो 20,000 रुपए में सेटलमेंट हो जाता है, जो सही नहीं है। बोरोवर को जो पैसा पूरा भरना ही चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया ओटीएस है जो सही नहीं है, बैंकों की मर्जी है कि वो करे या ना करे। सेकंडली दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हो किसी भी कोर्ट के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितनी भी कोर्ट है आपके एरिया में उसको मजबूर नहीं किया जा सकता बैंक या एनबीएफसी कंपनियों को कि आपको ओटीएस ही करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर हमारा सेटलमेंट नहीं हो रहा होता तो हम कोर्ट चले जाते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भैया अगर कोर्ट में आता है तो आए, लेकिन आप सेटलमेंट के लिए बैंक को कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हो। तो थर्डली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना भी पैसा बैंकों के अंदर पड़ा है जो आगे फर्दर लोन के लिए यूज किया जाता है ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का पैसा इस तरह से वेस्ट नहीं हो सकता। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं पब्लिक का पैसा उन्होंने ले रखा, वो अपनी बुद्धिमत्ता से उस पैसे को आगे लोन देते हैं। और अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी चाहे अगर किसी ने सिक्योर्ड लोन लिया जैसे कि कार लोन हो गया या फिर दूसरे जो लोन हो गए मान के चलिए आपके होम लोन हो गए, अगर कोई बोरोवर उनको डिफॉल्ट करता है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फुल पावर है कि अगर ऐसे डिफॉल्टर के जो जितने भी मॉर्गेज है यानी जो घर है या गाड़ी है उनको वो नीलाम ऑक्शन कर सकते हैं, उनको पोजेस कर सकते हैं। और कोई भी कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के बीच में उधर टांग नहीं अड़ाएगी। तो दोस्तों फाइनली इधर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी कोर्ट है उसके बीच में दोस्तों जो बैंक या एनबीएफसी का कोई केस है वो उसके ओटीएस के लिए मजबूर यानी सेटलमेंट
सेटलमेंट के लिए मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों आप लोग घबराइए मत, इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया तो आपका जो लोन ईएमआई है वो सेटलमेंट नहीं होगा। दोस्तों फाइनली जितनी भी कंडीशन है ये एप्लीकेबल होती है किसके ऊपर, सिक्योर लोन के ऊपर। अगर आपका सिक्योर लोन है तब कहीं सेटलमेंट होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपका दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन है तो वो अभी भी सेटलमेंट होंगे, क्योंकि अगर वो सेटलमेंट नहीं होगी तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या बेच देगी, कोई पोजेशन तो कर नहीं सकती क्योंकि आपका लोन अनसिक्योर्ड है। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से जितने भी थे सिक्योर्ड लोन के लिए है, जो वन टाइम सेटलमेंट है दोस्तों अभी भी कंटिन्यू आप करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों ने जो पीछे मेरी वीडियो में मेल किए थे, इधर मैंने चार बंदों के दोस्तों सेटलमेंट करवाए हैं 45% पर, 30% पर और 35% पर। अगर आप भी दोस्तों सेटलमेंट के लिए कोशिश करें तो आप मुझे मेरी वेबसाइट पर मेल कर सकते हैं, उधर से हम ट्राई करेंगे। फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्रिप्टो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और फ्री में क्रिप्टो जीत सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।